हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस सी इंग्लिश एंड हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो न्यू वीडियो है वो एक वोल्टास का डीप फ्रीजर है, इसमें लीकेज है। तो लीकेज के लिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे लीकेज, वही प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, ये जो है ये हमारा कूलिंग कॉइल का लाइन है, ये हमारा सक्शन है और यहाँ पर 3/6 का कैपिलरी लगा हुआ है। तो हम इस कूलिंग इस डीप फ्रीजर को दोनों पार्ट को, जो कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों को आप लीकेज टेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये देखिए सक्शन में हम प्रेशर मीटर लगाए हैं, ये हाई प्रेशर मीटर है 500 का, 500 पीएसए तक। तो इसमें तो हम प्रेशर दिए थे 300 तक, लेकिन अभी रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसमें तो लीकेज 100% है। और प्रेशर कैसे दिया है ये देख लीजिए, अब ये जो कैपिलरी है जहाँ से कूलिंग स्टार्ट होती है, 3/6 का कूलिंग कैपिलरी, तो ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ से हम प्रेशर पूरा 350 तक आ जाएगा, पूरा कूलिंग कॉइल पर पाइप पे आएगा जो बॉडी के अंदर लगा हुआ रहता है डीप फ्रीजर में। तो ये हमारा कूलिंग कॉइल का पार्ट है, कैपिलरी और कूलिंग कॉइल का सक्शन पाइप, और जो कंडेंसर का पार्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ। एक कंप्रेसर के बगल में एक कंडेंसर दिया हुआ था, तो ये तो कॉपर का है लेकिन इसका कंडीशन भी अच्छा है, इसमें लीकेज नहीं है। हम इसमें लीकेज प्रेशर दे के लीकेज टेस्ट कर चुके हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और जो कंडेंसर का पार्ट है ये भी बॉडी के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ये मेटल का है, जो आयरन का है, कॉपर नहीं है। तो हम इसमें भी प्रेशर दिया है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये 3/16 का साइज है इस जगह पर। तो हम 1/4 का क्वार्टर का जो ट्यूब आता है, ट्यूब को वेल्डिंग किया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है जो यहाँ से प्रेशर भरेंगे हम। और जो कंडेंसर है पूरा बॉडी के अंदर आप देख लीजिए, ये सारा आपको कंडेंसर मिला, कंडेंसर है सब जो बॉडी के साथ सटा हुआ ऐसा रहता है। और बॉडी का एक कैबिनेट देखिए, हम खोला है इसको, और दूसरी पार्ट को हम भी प्रेशर दिया है, देखिए हम 350 इसमें हाई प्रेशर गेज में प्रेशर दे चुके हैं, और कंप्रेसर इस जगह पर रहती थी, यहाँ पर रहेगा। तो ये तो हम खोल चुके हैं, तो जो लीकेज है इसमें, इस फ्रिज में जो दिक्कत है ये है, ये सक्शन पाइप में भी हो सकता है, कैपिलरी जहाँ पर इन होता है वहाँ पर भी हो सकता है। तो हम इसको पूरा खोलना होगा आपको, ये पाप काट के जहाँ जहाँ से पाइप गुजरी है उसको निकालेंगे हम। उसके बाद ये तो कॉपर है पूरा, तो ये वेल्डिंग हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम का अंदर में अगर कोई जॉइंट है कूलिंग कॉइल का, तो वो तो रिपेयर हम चेंज कर देंगे, कॉपर लगा देंगे उसमें, तो फ्रिज बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।